यह सिक्स क्लास क्वेश्चन थर्ड चैप्टर का डी टिक राइट द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस आउट रॉन्ग द रॉन्ग वन। जैडी टाइट फाउंड इन दोजली हेडिंग मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना। ट्रू, ये चाइना से लाया गया था। People in bronze home lived in rectangular house. Bronze home के में लोग rectangular आकार के घरों में नहीं रहते थे। False, second false. The people of Mehrgarh lived in pit house, not pit house. ये भी wrong है। Third, the Nilotic people were hunter gatherers. Nilotic people were hunter gatherers. False. और fifth, द साइट ऑफ ब्रॉन्ज होम वाज एक्सिबिटेड बाई फ्रेंच टीम लेड बाई जैरिज। फॉल्स, उसके द्वारा कोई खुदाई नहीं हुई थी, फ्रेंच के द्वारा। पीपुल बिगन टू फॉर्म ट्राइब्स ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड। राइट, ट्राइब्स। ए सेवन, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ द नियोलिथिक इज। ट्रू, एक महत्वपूर्ण खोज थी ये। द पीपल ऑफ मेहरगढ़ एंड ब्रॉन्ज होम बरीड देयर डेड अलोंग विद डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। दोनों ही जगह दफनाए गए थे मरे हुए पालतू जानवरों को लोगों के साथ। राइट, डिफरेंटिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स नियोलिथिक एज एंड कैलोलिथिक एज। द ट्रांजिशन फ्रॉम द यूज ऑफ स्टोन टू मेटल वाज स्लो एंड ग्रेजुअल। पीपल लर्न टू यूज कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड फाइनली आयरन। जो संक्रमण काल था उसमें लोग स्टोन टू मेटल एंड स्टोन पत्थर से लेकर के धातु का धीरे धीरे लोगों ने यूज करना सीखा, जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड फाइनली अंत में लोहा। इन यूरोप इन द नियोलिथिक एज वाज फॉलोड बाई द ब्रॉन्ज एज। और यूरोप में जो नियोलिथिक एज का काम किया गया था ब्रॉन्ज एज में, कांस्य युग में। बट इन इंडिया इट वाज नॉट, लेकिन भारत में नहीं। सो इन नॉर्थ इंडिया पीपल स्विच टू कॉपर फ्रॉम स्टोन्स फॉर मेकिंग एक्सेस, स्पेयर, ईटीसी। नॉर्थ इंडिया में लोगों ने सीखा था कॉपर से, फ्रॉम स्टोन से कॉपर, फॉर मेकिंग एक्स, कुल्हाड़ी, भाला, ईटीसी। दिस पीरियड आफ्टर द नियोलिथिक एज व्हेन कॉपर वाज यूज्ड अलोंग विद टिंग स्टोन इम्प्लीमेंट्स इज टर्म्ड एज कैलोलिथिक एज। और इस प्रकार ये कैलोलिथिक एज में आया। नेक्स्ट है फूड गैदरर एंड फूड प्रोड्यूसर। फूड गैदरर इज वन हु वेंडर्स फ्रॉम वन प्लेस टू पैलेस इन सर्च ऑफ फूड। वो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। फूड गैदरर इज वन हु वेंडर्स प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान घूम जाता है। एज ए फूड गैदरर मैन लिव्ड बाई हंटिंग एनिमल्स एंड कलेक्टिंग बिल्ड। और उनको एकत्रित करता था शिकार करके जानवरों को रहता था। फूड प्रोड्यूसर, इसी का फर्स्ट, फूड प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूसर प्लांट्स एंड क्रॉप्स इन फील्ड टू मीट हिज फूड रिक्वायरमेंट। अपनी भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो खेती करने लगा फसलों की और पौधों की। इन सेकेंड पॉइंट इसी का, नियोलिथिक इज एंड देयर आफ्टर मैन स्टॉप्ड बीइंग इनॉम्ड। इसके बाद मनुष्य ने घूमना फिरना बंद कर दिया एंड बिगेन टू सेटल डाउन एट वन प्लेस, एक स्थान पर रहने लगा एज एन एग्रीकल्चरिस्ट, एक कृषक की तरह। एंड बिगेन टू डोमेस्टिक एनिमल्स, और पालतू जानवर रखना प्रारंभ कर दिया। क्वेश्चन फर्स्ट, राइट अबाउट द नियोलिथिक साइट ऑफ दियोजली हेडिंग। दियोजली हेडिंग इज एन इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट इन डीमा हासू डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। एक्सटेंसिव, ये नियोलिथिक साइट अपने असम राज्य के डीमा हासुन ज़िले में एक महत्वपूर्ण स्थान है, साइट है, स्थल है।
एक्सटेंसिव डिगिंग, वहाँ खुदाई में, इस स्थल खुदाई में यील्डेड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, सिरेमिक्स एंड किचन आइटम्स सच एज ग्राइंडर्स, पेस्टिल्स एंड मोटार्स, मोटार्स, ग्राइंडर्स, पेस्टिल्स, ये सारी चीज़ें स्टोन टूल्स और सिरेमिक्स के मिले हैं, बहुत अधिक उत्पन्न हुए हैं खुदाई में। ए लार्ज नंबर ऑफ पोर्ट्स है एल्सो बीन फाउंड, ये पोर्ट्स भी वहाँ बड़ी मात्रा में पाए गए। दीज फाइंडिंग सजेस्ट द पीपल हेयर वर ग्रोइंग एंड स्टोरिंग ग्रेन्स एंड प्रिपेयरिंग फूड, और इससे ये पता चलता है कि वह उस समय वहाँ लोग ग्रोइंग फसलें उगाते थे, अनाज उगाते थे और उनका भंडारण करते थे और खाना तैयार करते थे, खाना तैयार करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन द नेलोथिक टूल्स, यानी राइट ए नोट लिखिए नेलोथिक टूल्स औजारों के बारे में, टूल्स ऑफ फ्लाइंट, उस समय जो टूल्स थे वो फ्लाइंट के थे, एंड ओबिसीडियन हेल्प द नेलोथिक फार्मर एंड स्टोकर, स्टोकर टू कट हिज फूड रीप सीरियल्स, कट हाइट्स, ये काटने पीटने के लिए इनका काम में लेते थे किसान। लार्जर टूल्स ऑफ पॉलिश्ड स्टोन प्रोवाइडेड एडेजेस फॉर टेलिंग द अर्थ एक्सेस फॉर द लॉगिंग ऑफ ट्रीज, यानी खुदाई के लिए ये पॉलिश लगे टूल होते थे, औजार होते थे उनके जो काम आते थे खुदाई गणपति को खोदने के लिए, लकड़ियों को काटने के लिए, फोर बोर्ड बॉन एंड स्टोन वर्किंग पत्थर के काम के लिए। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ नहीं, वाई डू पीपुल, थर्ड क्वेश्चन, वाई डू पीपुल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, पीपुल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब लोग फसलें उगाने लग गए तो वहाँ लंबे समय तक रहना प्रारंभ किया, बिकॉज फर्स्ट द क्रॉप टेक टाइम टू ग्रो एंड ड्राइव, क्योंकि फसलों को उगाने से लेकर के पकने तक वहाँ रहते थे वो। क्रॉप्स नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स, पशुओं से उनकी सुरक्षा करते थे। वाटरिंग द प्लांट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट अदरवाइज क्रॉप्स वुड डाई, यानी क्रॉप्स में फर्स्ट पौधों में या द प्लांट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता था पानी देना, अदरवाइज अन्यथा क्रॉप्स वुड डाई, मर जाएगी फसल। वुमन्स वुमन्स नीड टू टेक ऑफ देयर क्रॉप्स, और मनुष्य को आवश्यकता होती थी अपनी फसलों को रखने के लिए, लेते थे वो तैयार कर हो जाती थी। फोर क्वेश्चन, वाई डू आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट मैनी पीपल हु लिव इन मेहरगढ़ वर हंटर, हंटर टू स्टार्टेड विद दैट विद एंड दैट हर्डिंग बिकम मोर इम्पोर्टेंट लेटर। ऑन एक्सीबिशन आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड बॉन्स ऑफ विल्ड एनिमल्स, खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट को पुरातत्वताओं को हड्डियाँ मिली है बड़े जानवरों की, इन द लोअर मोस्ट लेवल निचले स्तर पर, ऑन द अपर लेवल और ऊपरी स्तर पर, दे फाउंड कैटल बॉन्स मवेशियों की हड्डियाँ पाई गई। दिस मीन्स इसका मतलब है दैट हंटिंग विल्ड एनिमल्स वाज इम्पोर्टेंट मच बिफोर हर्डिंग, पालने से पहले वो जानवरों का, बड़े जानवरों का शिकार करते थे। फिफ्थ, राइट ए नोट ऑन डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन इज यानी वो है, राइट ए नोट पालतू जानवर पालतू पालतुओं पर एक नोट लिखिए, डोमेस्टिकेशन इज ए चेंज दैट हैपन इन विल्ड एनिमल्स और प्लांट्स, इसमें परिवर्तन हुआ जब दे आर कीप्ड बाई ह्यूमन्स फॉर लॉन्ग टाइम, जब मनुष्यों ने उनको लंबे समय तक रखना प्रारंभ कर दिया। लैटिन टर्म लिटरेरी मीन्स, इसका साहित्य करते हैं टू मेक इट सेल्फ एविल फॉर होम, यानी अपने लिए घर पर रख देते उनको। इफ ह्यूमन्स टेक विल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड कीप एंड ब्रीड दैम ओवर टाइम द एनिमल्स एंड प्लांट्स में चेंज, और जब अगर मनुष्य ने विल्ड एनिमल्स को रखना, विल्ड एनिमल्स पर प्लांटों को रखना, प्लांट लगाना, विल्ड एनिमल्स को रखना प्रारंभ कर दिया, तो ब्रीड दैम ओवर टाइम उनका प्रजनन भी हुआ एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स में चेंज, उनमें परिवर्तन भी हुआ ब्रीडिंग से।
क्वेश्चन सिक्स, द नेलोथिक पीपल लेड ए सेटल्ड लाइफ, एलोबरेट। सिक्स का आंसर है, यानी नेलोथिक पीपल का जो सेटल स्थायी जीवन था उसकी एक्सप्लेन करना है। द नेलोथिक पीपल बिगेन व्हेन सम ग्रुप्स ऑफ वुमन्स गेव अप द नोमैडिक हंटर गैदर लाइफ स्टाइल कम्प्लीटली टू बिगेन फार्मिंग। जो नेलोथिक पीपल थे उन्होंने सम ग्रुप्स, कुछ लोगों के समूहों ने गिव अप द नोमैडिक हंटर गैदरिंग, जो घुमंतु जो शिकार एकत्रित करते वो जीवन कम्प्लीटली वो चेंज कर दिया, बिगनिंग फार्मिंग खेती करने का प्रारंभ करने से वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया। इट मे हैव टेकन वुमन्स हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू ट्रांसेक्शन फुली फॉर द लाइफ स्टाइल ऑफ सबस्टेंडिंग ऑन बिल्ड पैरांस टू कीपिंग स्मॉल गार्डन्स एंड टेकन टेंडिंग लार्ज क्रॉप फील्ड्स। इट मे हैव टेकन, इसमें लगा वुमन में मनुष्य को सैकड़ों से हजारों वर्ष इस संक्रमण काल को, फ्रॉम द लाइफ स्टाइल ऑफ सबस्टिंग यानी बिल्ड बड़े जानवरों और स्मॉल जो गार्डन थे उनको तैयार करने में मनुष्य को से लेकर के स्मॉल गार्डन से लेकर के बड़े फसलों के क्रॉप्स फील्ड तैयार करने में उनको बहुत सारा समय लगा, इसमें संक्रमण काल काफ़ी समय का लगा। क्वेश्चन सेवन, राइट अबाउट नेलोथिक सेटलमेंट्स ऑफ मैरगढ़ एंड ब्रॉन्जम इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आंसर सेवन का है, वन ऑफ द मेजर डिफरेंस वाज द राइज ऑफ कल्टीवेशन टू सिविलाइजेशन, यानी एक महत्वपूर्ण अंतर है सभ्यता के राइज होने का। अप टू दिस पॉइंट मोस्ट ह्यूमन वर नोमैडिक, उस समय लोग घुमंतु थे अधिकांश, लिविंग ए लाइफ ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते रहते थे विदाउट ए परमानेंट सेटलमेंट, वो स्थाई उनका निवास नहीं था। सम पीपल लिव्ड इन विलेजेस प्योरर टू द नेलोथिक एज बट दिस इज सो ए वाइड स्प्रेड, और सम पीपल लिव्ड रहते थे इन विलेज गाँव में प्योरर टू द नेलोथिक एज, नेलोथिक एज से पहले, लेकिन दिस इज सो ए वाइड स्प्रेड, लेकिन यह इसे विस्तृत रूप से रूप में था ये देखा जा सकता है इस एज को। फिनिश नेक्स्ट कल।